हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक और नई मेकअप लुक के साथ। तो ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहा, तो मैंने इसमें ग्लैम गर्ल्स के मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये ब्रो पैलेट मैं ग्लैम गर्ल की यूज़ की है। उसके बाद मैंने डर्माकोल का कंसीलर यूज़ किया है। मैंने हुदा की इस पैलेट के साथ सफ़ायर के साथ अपनी ये सारी लुक क्रिएट की है। और उसके बाद मैंने ज़ोएबा के ब्रशेस यूज़ किए हैं इसमें, और ग्लैम गर्ल का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया था स्टार्ट में। CVP का मैंने प्राइमर यूज़ किया था। और मैं ये सारी लुक जो है इसी में से क्रिएट करूँगी। और मैंने कट क्रीज की है एक लिक्विड कंसीलर के साथ। और उसके बाद मैं दोबारा से इसी पैलेट के कुछ शेड्स लेके अपनी आई मेकअप को कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद मैं एक सिल्वर कलर की शैडो ले रही हूँ, और उसको मैं अपने इनर कॉर्नर से थोड़ा सा आगे तक ले जाऊँगी। और उसके बाद मैं मिस रोज़ का एक ग्लिटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैंने सिल्वर कलर का ग्लिटर लेके अपने आईज़ पे लगाया है, मिस रोज़ का लाइनर, मिस रोज़ की लैशेस। और अब ये मैं वाइट काजल लगा रही हूँ। ये मैं ग्लैम गर्ल की पैलेट से लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने वाइप से अपनी आईज़ साफ़ की, और ए पी के का मैं फाउंडेशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड फाउंडेशन था, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। उसके बाद मैं ग्लैम गर्ल का फिक्सिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी एक लोकल ब्रांड की ये कंट्रोल पैलेट थी, इसमें से मैंने कंट्रोल किया। मिस रोज़ का ब्लशन यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये हाइलाइटर्स जो हैं ये टेराकोटा के हैं, ये यूज़ कर रही हूँ पिंक में। और फिर मैं अपनी बाकी का जो आईज़ का मेकअप रह गया था वो कंप्लीट करूँगी लोअर लैश लाइन का। उसके बाद मैं मिटोरा की लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर हुदा का लिप ग्लॉस लगाया, और ग्लैमरस का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया। और अब आपके सामने पूरी लुक है, और ज़रूर लाइक कीजिएगा।